हेलो माय लवलीज, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ माय टॉप 5 फेवरेट स्किन केयर प्रोडक्ट, जो कि हर एक स्किन टाइप के लिए काफी अच्छा काम करेंगे। एंड ये 5 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको मैं हर दिन यूज करती हूँ और लिटरली मतलब अगर आपका कोई भी स्किन कंसर्न हो तो उसके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। सो यस, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, लिंक सारे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो इनकेस अगर आपको बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लीजिएगा। एंड यस, आई मस्ट से में से कोई ना कोई आपकी स्किन के लिए परफेक्ट जाएगा। सो यस, ये 5 प्रोडक्ट्स मैंने निकाल दिए हैं। सो फर्स्ट प्रोडक्ट जो है, जो रिसेंटली अभी मैं यूज करना स्टार्ट किया है एंड एम्प्टी कंटेनर है, खत्म हो चुका है, नया मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। दिस इज फ्रॉम डर्माको एंड यह है स्नेल पेप्टाइड 96 हाइड्रेटिंग सेरम। आई थिंक इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में आपने मेरे मुंह से काफी वीडियो में सुन लिया होगा, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। वी कैन से कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ना, ये जो कोसारेक्स का स्नेल म्यूशन है ना, उसको टक्कर देता है। इतना अमेजिंग काम करता है। मैंने कोसारेक्स का जो स्नेल म्यूशन है वो भी काफी बार यूज किया है, मतलब उसकी शायद मेरी 3rd बॉटल अभी चल रही है, आधी है। जब से मेरे पास ये आ गया ना, तब से मैं इसी को ही यूज कर रही हूँ। इतना सही फॉर्मूला है, मतलब बिल्कुल भी चिपचिपापन, इनफैक्ट जो कोसारेक्स वाला है ना उसमें तो थोड़ा फिर भी ऐसा चिपचिप लगता है, बट इसका फॉर्मूला काफी सही है और डे टाइम में भी आप लिटरली इसको यूज कर सकते हो। बट यस, आपको इसके बाद सनस्क्रीन जरूर से यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एज सच इसके अंदर कोई भी इस तरह के फिल्टर्स नहीं है जो आपको सन की रेस से प्रोटेक्ट करे। बट यस, इसके अंदर 2% नियासिनेमाइड है, 2% पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स है। सो नियासिनेमाइड वी ऑल नो माई स्किन को इवन बनाता है, लाइक जो पिगमेंटेशन वगैरह है उनको फेड आउट करता है, ओपन पोर्स पे वर्क करता है। स्नेल का म्यूकस है इसके अंदर, तो वो अपने आप में ही आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। लाइक जो भी आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन है, मार्क्स है, या डल है, ड्राई है, स्किन हाइड्रेट नहीं है, उन सब पे बहुत अच्छा काम करेगा। सो मेरे कहने पे एक बार जरूर से इसको ट्राई कीजिएगा, आप फैन हो जाओगे इसकी। इतना अच्छा प्रोडक्ट ही मुझे लगा, मतलब कंसिस्टेंसी वगैरह एकदम प्रॉपरली, लाइक जो स्नेल का म्यूकस है इसके अंदर, तो कंसिस्टेंसी आपको थोड़ी सी ना ऐसी दिखेगी, लुक एट दिस, मतलब इस तरह से। बट आप जब अपनी स्किन पे लगाओगे ना, विद इन सेकेंड्स के अंदर स्किन के अंदर चला जाता है और बहुत प्यारी सी हाइड्रेशन, एकदम प्यारी फिनिश देता है ये स्किन पे। सो ये प्रोडक्ट मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, लास्ट 2-3 मंथ से ही मैं यूज कर रही हूँ एंड लिटरली दिस इज वर्थ बाइंग। एंड जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है गाइज, दैट वन इज फ्रॉम ब्रांड डॉक्टर शेद एंड ये भी आई थिंक मैं लास्ट समर से यूज कर रही हूँ। एंड ये समर में मैंने लाइक लास्ट में मैंने 3 इसकी ट्यूब खत्म की थी एंड दिस इज माई 2nd ट्यूब। ये भी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट खत्म है। ये है सेरेमाइड एंड विटामिन सी सनस्क्रीन, इसके अंदर SPF 50 है, PA 3x+ है। ये आपकी स्किन को UVA एंड UVB दोनों रेज से प्रोटेक्ट करता है, ब्लू रेज से प्रोटेक्ट करता है। इसके अंदर मिनरल प्लस ऑर्गेनिक फिल्टर दोनों ही है एंड साथ ही साथ में इसके अंदर 1% सेरेमाइड है, 2% विटामिन सी है एंड 1% हाइलुरोनिक एसिड है। तो विटामिन सी तो बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब 2% है, तो 2% काफी कम होता है, बट इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड काफी ज्यादा अच्छा है, 1% है। दैट मींस कि आपको अलग से कोई भी मॉइस्चराइजर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। ये सनस्क्रीन लगा रहे हो ना तो दैट्स इनफ, मतलब इतना प्यारा इसका फॉर्मूला है। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी और ऑल। सो इस तरह की आपको इसकी कंसिस्टेंसी मिलेगी और बिल्कुल भी हैवी नहीं लगता है फेस पे, ऐसा फील नहीं होगा आपको कि यार मैंने क्या लगा लिया है, बिल्कुल व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता। एंड लुक एट दिस, बहुत प्यारी सी एकदम फिनिश लुक आती है। सो काफी ज्यादा लाइट वेट फॉर्मूला है और हर एक स्किन टाइप के लिए। सो यस, ये भी आप जरूर से ट्राई कर सकते हो अगर एक अच्छा सा सनस्क्रीन ढूंढ रहे हो या एक सनस्क्रीन प्लस मॉइस्चराइजर ढूंढ रहे हो, आप लेजी हो, आपको बहुत ज्यादा स्किन केयर रूटीन के जो स्टेप्स है वो फॉलो नहीं करने हैं, तो यस इसको आप लगाओगे तो आप सेरम को स्किप कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर 1% हाइलुरोनिक एसिड है, सनस्क्रीन तो ये ही है एंड साथ ही साथ में इसके अंदर सेरेमाइड्स है, तो आप मॉइस्चराइजर को भी स्किप कर सकते हो। सो यस, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है गाइज, दैट इज अगेन माई फेवरेट एंड ये है कामा आयुर्वेदा का रोज वाटर। एंड जब से मैं इसको यूज कर रही हूँ ना, लाइक मैंने जो अदर टोनर्स होते हैं वो मैंने स्किप कर दिया, मतलब नहीं लगा रही हूँ, मेरे पास बहुत सारे टोनर्स पड़े हैं, बट रोज वाटर लिटरली अपने आप में एज अ मतलब एक स्किन फूड की तरह तो काम करता ही है, बट ये एज अ टोनर आप लगाओगे ना तो आपकी स्किन के जो पोर्स है, लिटरली मुझे यूज करते करते अपनी स्किन पे जो पोर्स की प्रॉब्लम है वो काफी कम दिखी है। मैं आपको एक पिक्चर लगा देती हूँ, यहाँ आप देख सकते हो काफी, मतलब मेरा जो ओपन पोर्स थे ना काफी ज्यादा श्रिंक हुए हैं और लिटरली स्किन पे एक जो फिनिश लुक आता है ना वो आपको रोज वाटर से मिलता ही है। सो यस, मैं इसको एज अ टोनर लगाती हूँ, आप चाहो तो इसको नाइट में भी अपने स्किन पे लगा के छोड़ सकते हो। इनफैक्ट आप बाहर से आए हो, आपकी स्किन बहुत ज्यादा धूप में थी और अजीब सा रिएक्ट कर रही है, रेड हो गई है या इचिंग हो रही है,
तब भी आप इस रोज वाटर को अपने चेहरे पे लगा सकते हो. सो दिस इज 100% प्योर रोज वाटर एंड कामा आयुर्वेदा वी ऑल नो यार एक ऐसा ब्रांड है कि जिसपे आप आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो उनके प्रोडक्ट पे. सो ये भी मेरा मोस्ट 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 फेवरेट है. एंड जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है गाइस दैट वन इज अ विटामिन सी सीरम एंड ये भी डर्माको का ही है एंड इस 20% विटामिन सी सीरम. सो यस, अगर आप बिगिनर हो तो 10% से शुरू करो. इस पर्टिकुलर ब्रांड में 10% भी आता है. मेरी स्किन अभी यूज टू हो गई है विटामिन सी से तो मैं अभी 20% यूज करती हूँ. अमेजिंग प्रोडक्ट है. अगर आपको लाइक पिगमेंटेशन है, एक्ने स्कार्स है, स्किन पे ग्लो नहीं है, थोड़ा सा ब्राइटनिंग इफेक्ट चाहिए, लाइक होता ना किसी को, मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो आपके हर एक स्किन कंसर्न को, आपको थोड़ा ब्राइटनिंग इफेक्ट भी चाहिए, आपको थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है उनको भी फिनिश करना है, तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन. बट विटामिन सी हर एक स्किन टाइप को सूट नहीं करता है. सो मेक श्योर कि आप पहले 2-3 दिन पैच टेस्ट करो या फिर इसका कम फॉर्मूला हो सके तो आप 5% से शुरू करो. अगर 5% आपको सूट करता है तो फिर आप 10 पे जा सकते हो, फिर 20 पे जा सकते हो. तो इस तरह से आपको यूज करना है विटामिन सी. बट विटामिन सी आपको मॉर्निंग टाइम में ही यूज करना है क्योंकि एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं इसके अंदर, तो मॉर्निंग में ना ये बहुत अच्छा काम करता है आपकी स्किन पे. बट मेक श्योर कि विटामिन सी के बाद, मतलब कोई भी आप एक्टिव्स यूज कर रहे हो ना, आपको सनस्क्रीन जरूर से लगाना. मैं तो बोलूंगी कुछ यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप नॉर्मली मॉइस्चराइजर भी लगा रहे हो ना अपनी स्किन पे, बट फिर भी आपको डेली सनस्क्रीन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है. मेरे चैनल पे आपको टॉप 5 सनस्क्रीन का वीडियो मिल जाएगा, टैग कर दूंगी, देख लीजिएगा. बेस्ट सनस्क्रीन है, अमेजिंग काम कर. सबसे अच्छी बात मुझे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की लगती है कि इसके अंदर कोई भी सल्फेट नहीं है, पैराबिन नहीं है, डाई नहीं है, मिनरल ऑयल नहीं है. सो काफी हेल्दी फॉर्मूला है और बहुत अच्छा विटामिन सी इसके अंदर डाला है, 20% है, तो मेरी स्किन पे ये बहुत अच्छा काम करता है. सो विटामिन सी जरूर से यूज करो अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन, एक्ने स्कार्स या फिर ब्लेमिशेस है फेस पे, ग्लो नहीं है, थोड़ा सा व्हाइटनिंग इफेक्ट चाहिए. सो विटामिन सी ही बेस्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है गाइज दैट इज एब्सोल्यूट माई फेवरेट, मतलब मैं इसको 4-5 सालों से यूज कर रही हूँ और इतनी बॉटल में खत्म कर चुकी हूँ, मैं क्या बोलूँ अभी. दिस इज द लोरियल रीवाइटलिफ हाइलोनरिक एसिड सेरम एंड इसके अंदर है हाइलोनरिक एसिड 1.5% एंड हाइलोनरिक एसिड हमारी स्किन पे वरदान है. मतलब वैसे तो हाइलोनिक एसिड हमें गॉड गिफ्ट मिलता है, हमारी स्किन के अंदर होता है, हमारी बॉडी में होता है, बट एक टाइम के साथ हाइलोनिक एसिड कम होने लगता है. सो आपको चाहिए कि हाइलोनिक एसिड आप अपनी स्किन पे खुद से यूज करो आफ्टर 2025. हाइलोनिक एसिड एक ह्यूमेक्टेंट की तरह काम करता है, लाइक जो आपकी स्किन पे डलनेस हो गई है, ड्राई है, जिनके कारण की रिंकल्स एंड फाइन लाइंस आना स्टार्ट हो जाती है, स्किन पे हमारे ग्लो नहीं रहता है, बहुत बेजान सी लगती है, इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि आपकी स्किन पे हाइलोनिक एसिड कम हो गया. आप देखो कि बच्चों की स्किन कैसी, मतलब एकदम सॉफ्ट होती है, सपल होती है, अलग सा ग्लो रहता है, तो उनका रीजन वही होता है कि उनकी बॉडी में हाइलोनिक एसिड बहुत अच्छा लेवल में है, बट एक टाइम के साथ वो कम होने लगता है. तो आपको एक अच्छा सा हाइलोनिक एसिड अपने स्किन केयर रूटीन में यूज करना ही है एंड दिस इज द बेस्ट ऑप्शन. मैंने ऑर्डिनरी का भी यूज किया है, डर्माको का भी यूज किया है मैंने, आई थिंक एक दो और अच्छे ब्रांड्स प्लम वगैरह का भी यूज किया है, बट इसके टक्कर में मुझे, मतलब इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो रिजल्ट है, एक लगाने पर जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, वो ये प्रोडक्ट से आपको जरूर से मिलेगा. So yes guys, वैसे तो बहुत प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे फेवरेट है, बट ये 5 ऐसे हैं कि मैं इनको डेली यूज करती हूँ. बट यस, सनस्क्रीन मेरा चेंज होता रहता है जस्ट बिकॉज कि नए प्रोडक्ट्स यूज करने होते हैं, या सनस्क्रीन मतलब काफी अच्छे अच्छे हैं मेरे पास, मेरी स्किन के लिए अच्छा काम करते हैं. बट 3-4 प्रोडक्ट तो ऐसे हैं, जैसे ये लोरियल का है, ये जो रोज वाटर है एंड विटामिन सी है, ये तीनों प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मैं डेली यूज करती हूँ. और ये तो मैंने अभी रिसेंट यूज करना स्टार्ट किया 2-3 मंथ से, ये मुझे काफी अच्छा लगा एंड ये तो मतलब इसलिए मैंने इसको वीडियो में इंक्लूड किया है क्योंकि इसके अंदर सेरेमाइड्स है, हाइलोनिक एसिड है, विटामिन सी है, तो काफी ओवरऑल लाइक कॉम्बो बहुत प्यारा है ये. सो यस गाइज, दैट्स ऑल अबाउट इन टूडेज वीडियो. आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा. फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे आप बता सकते हो, फॉर श्योर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी. एंड यस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लीजिएगा अगर इनमें से आपको कोई भी प्रोडक्ट बाय करना है तो. सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय.